नमस्कार दोस्तों। दोस्तों आपको तो पता ही है कि डाक विभाग नए नए कामों को लेकर काफ़ी एक्सपेरिमेंट करता रहता है और आपने कोरोना काल में भी देखा होगा कि कैसे विभाग द्वारा ज़रूरतमंदों की मदद की गई। घर घर में राशन पहुंचाया गया, यहां तक कि एम्बुलेंस की सेवा भी डाक विभाग ने प्रदान की थी मेल मोटर सर्विस द्वारा। और मेल्स पार्सल्स वगैरह को लेकर तो आप सब जानते हैं कि कैसे हमारे पोस्टमैन किसी भी मौसम में, चाहे गर्मी हो, बरसात हो या कड़ाके की ठंड पड़ रही हो, लगातार अपनी सेवाएँ देते रहते हैं और ग्रामीण डाक सेवक भी दिन रात बिजनेस बढ़ाने में लगे रहते हैं। और भी बहुत कुछ है दोस्तों, उतना मैं बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। फिलहाल आप लोग सुनिए कि डाक विभाग के सचिव ने कैसे मंत्री जी को धन्यवाद दिया और मंत्री जी ने इसके बाद क्या कुछ बोला, सुनिए। इसमें डाक की आयाम और उसकी परिभाषा बदलती रही। विगत कुछ वर्षों में डिजिटल इंडिया के सुदृढ़ नेटवर्क पर संयोजित डाक विभाग और पोस्ट ऑफिस में एक ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज आया है। इस बदलते परिवेश में जनता की अपेक्षाएं, विभाग की सक्षमता का सही आकलन करते हुए माननीय संचार राज्य मंत्री जी ने अपने कुशल नेतृत्व एवं कंसिस्टेंट मॉनिटरिंग के द्वारा पोस्ट ऑफिस नेटवर्क की सेवाओं में सुधार एवं विकास में हमारा सतत मार्गदर्शन किया है और इसके लिए हम सब और हमारी टीम इनके आभारी हैं। डाक विभाग में मेल और पार्सल नेटवर्क की नई टेक्नोलॉजी, बेहतर ऑपरेशन के सामंजस्य से माननीय मंत्री महोदय जी के दिशा निर्देश में कई सारे त्वरित निर्णय लिए गए हैं, जिनका परिणाम है कि आज इस दिशा में आज के दिन एक महत्वपूर्ण पड़ाव के अवसर पर हम उन प्रयासों और उपलब्धियों को आपसे साझा कर रहे हैं। इस देश में शुरू हुआ तब किसी ने सोचा नहीं था कि पोस्ट का स्वरूप इतना बदलेगा। हमने भी विशेष तौर पे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में काफी बदलाव इस विभाग ने किया। टेक्नोलॉजी इंडक्शन का काम भी किया है और हमने हमारी सर्विस एरिया को भी बढ़ाया। कई ऐसे क्षेत्र जो पहले यहाँ हम सर्विस नहीं करते थे इस विभाग के जरिए, हम केवल मेल, मनी ऑर्डर और पार्सल सेवा कर रहे थे, लेकिन आज हम बैंकिंग भी कर रहे हैं, इंश्योरेंस की सेवाएं भी दे रहे हैं, फाइनेंशियल इंक्लूजन का भी काम कर रहे हैं, वुमन एम्पावरमेंट का भी काम कर रहे हैं। तो ये जो बदलाव है, ये बदलाव हमारे विभाग की बदलते के समय के साथ जो खुद को बदलाव लाने की क्षमता है, जो टेक्नोलॉजी बेस्ड सर्विस देने की क्षमता है, इसी का ही परिणाम आज की इवेंट में हमें दिखता है। और जैसे आप सबको सुनकर मुझे ऐसा लगता है कि शायद ही टेक्नोलॉजी बेस्ड लॉजिस्टिक सर्विस प्रोवाइडर इतना बड़ा नेटवर्क के साथ कहीं है तो वो भारत में है, हमारा पोस्टल विभाग। तब सब हम कर पाए केवल मंत्री के विजन से नहीं होता, तब तक जब तक उनमें क्षमता आदरणीय मोदी जी ने हमारे विभाग में भी देखी, जो हम कभी नहीं सोच रहे थे कि हम ये सर्विस कर पाएंगे। और यही परिणाम है जो कोविड के कारण हम अपने आप को इतना बदले कि हम टेक्नोलॉजी बेस्ड सर्विस इतना अच्छा कर सकते हैं, जो हमारे सामने से आकर प्रवीण जी बोलते हैं, भरतिया जी बोलते हैं कि आपका नेटवर्क इतना स्ट्रांग है, हम और आप साथ में मिलकर काम करेंगे। तो ये विभाग का भी माइंड सेट चेंज हो रहा है। कभी हम सोशल ऑब्लिगेशन के लिए काम कर रहे थे, कभी सोचा नहीं था कि हम रेवेन्यू के लिए काम करेंगे, लेकिन यह हमारा माइंडसेट भी अभी एक तरीके से ऐसा हुआ है कि हम क्यों ना रेवेन्यू जनरेट करें। इतना बड़ा नेटवर्क, अगर आज भारत में कोई अमेज़न ये सब काम कर रहे हैं, जो सर्विस दे रहे हैं,
तो हम क्यों ना कर सके, जबकि हमारे पास 1,60,000 पोस्ट ऑफिस है, हर गांव हर घर तक नेटवर्क है, डोरस्टेप पे है, और हमारा विश्वास भी है। शायद ही कोई ऐसा विभाग हो जिसका इतना भारत की जनता का विश्वास हो जो पोस्ट के प्रति, तो इतना ट्रस्टवर्दी नेटवर्क, तो हम क्यों ना कर पाए। और हमने ये शुरू किया और देखो आज हम कर रहे हैं। तो आने वाले समय में जैसे टिप्टा के साथ तो जो हमारा MOU आपके और CIT के साथ हो रहा है, लेकिन इसी नेटवर्क के साथ अभी हमने ट्राइफेड के साथ भी काम प्रारंभ किया है, ट्राइबल एरिया में भी हम कर रहे हैं, हमने जेम के साथ तो ऑलरेडी कर ही रहे हैं, और ONDC भी हम करने जा रहे हैं। तो एक तरीके से ये टेक्नोलॉजी बेस लॉजिस्टिक सर्विस प्रोवाइडर इतनी क्षमता पैदा करेगा जो आने वाले समय में भारत को हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी में अगर देखना चाहते हैं, विकसित भारत देखना चाहते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री हमेशा कहते हैं कि अमृत काल, ये हम सबके लिए कर्तव्य काल है, तो हर नागरिक अपना कर्तव्य निभाए, हर विभाग अपना कर्तव्य निभाएंगे, तो ये विकसित भारत का सपना हम बहुत जल्दी पूरा कर सकते हैं, और इसमें हमारा विभाग एक काम कर रहा है। मैं आज के अवसर पर हमारे जो उद्देश्य के साथ आज हम MOU कर रहे हैं, उस उद्देश्य में हम परिपूर्ण हों और उद्देश्य में हम साथ मिलकर काम भी करेंगे। ये केवल MOU न रहते हुए, ये मतलब केवल कागजी काम नहीं रहते हुए, लोगों के जीवन में परिवर्तन आए, सोशियो इकोनॉमिक चेंज जो आदरणीय प्रधानमंत्री चाहते हैं कि ईज ऑफ लिविंग और इंडस्ट्री के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, इसमें हम सफल हों। आप सबका बहुत धन्यवाद।